धनबाद के झरिया में BCCL की राजापुर परियोजना में कार्य कर रही डेको आउटसोर्सिंग कंपनी नियमों को ताक पर रखकर कोयले का उत्खनन कर रही है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी किसी कानून और किसी मापदंड को मानने से गुरेज कर रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी डेको के खिलाफ कांग्रेस के नेता संतोष कुमार सिंह अब मुखर हो गए हैं। झरिया के विकास भवन के समक्ष 18 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। डेको आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उस कंपनी पर लगाम लगाने की मांग BCCL के अधिकारियों से की गई है, क्योंकि नियमों और कानूनों का खुला उल्लंघन कर कोयले का उत्खनन डेको कंपनी कर रही है। डेको कंपनी OB डंपिंग और ब्लास्टिंग में भी DGMS के नियमों की खूब धज्जियां उड़ा रही है। ये बहुत बड़ा पहल हुआ है जो यहाँ मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, जो आज यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार युवक हैं वो दर दर भटक रहे हैं, जो डिप्लोमाधारी हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, जो नौसिखवा हैं उनसे बम ब्लास्ट करवा के कोयला का दोहन कर रहे हैं, ट्रक का ट्रक चोरी करवा रहे हैं, और जो यहाँ पर जो गाइडलाइन है DGMS का एक भी उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इसलिए संतोष सिंह के नेतृत्व में यहाँ से नहीं झारखंड भवन को भी घेरना पड़ा, हम लोगों को दिल्ली में भी धरना पड़ा, तो हम लोग इससे चुकेंगे नहीं, क्योंकि छात्र आंदोलन से ही हम लोग हर समय ये यहाँ के नेताओं ऐसा नहीं कि अभी बात कर लिए सेटिंग हो गया हम लोग काम बंद कर लिए। हम लोगों का काम है कि यहाँ से प्रदूषण मुक्त कराना, बेरोजगारों को रोजगार देना, जो यहाँ पर लेबर जो जिसका ग्रेड है 22,000 रुपया देने का उसको 7,000 रुपया दे रहे हैं, यहाँ से जो ट्रक पर है वो तिरपाल लगा कर कोयला को डंप करना है, लेकिन इसका कोई पानी छिड़काव करना है लेकिन कोई नहीं है, ये सिर्फ पैसा दोहन कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी राजापुर आउटसोर्सिंग परियोजना में OB डंपिंग की हाइट निर्धारित मापदंड से कई गुना अधिक है। यही नहीं, देखो आउटसोर्सिंग खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों के अनुसार ब्लास्टिंग करने का भी काम नहीं कर रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। डेको कंपनी की ओर से की जा रही लापरवाही का खामियाजा आज झरियावासियों को भुगतना पड़ रहा है। झरियावासी आउटसोर्सिंग के कारण पूरी तरह से प्रदूषण के चपेट में आ गए हैं, जिससे झरिया की जनता कई भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो चुकी है, लेकिन डेको कंपनी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस ने झरिया के विकास भवन के समक्ष प्रदर्शन कर डेको कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर BCCL प्रबंधक जल्द ही डेको कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। मेरा मुद्दा है झरिया बचाने के सवाल पर, और झरिया में जो झरिया की जनता प्रदूषण से जो जूझ रही है और इस मौत का पहाड़ जो OB डंपिंग करके जो मौत का पहाड़ बना दिया है, झरिया की जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के 1.5 किलोमीटर की जगह पर 2 किलोमीटर दिखला रहा है लीड, यहाँ पर कोयला डंपिंग में भी कोयला चोरी भी कर रहा है, और आज बरोरा में भी कल घटना देख लिए होंगे कि डेको के ही आउटसोर्सिंग के कंपनी से मजदूर मारे जा रहे हैं। इसके पहले 2 साल पहले यहाँ पर 3 मजदूर मारे गए, आज कल वहाँ बरोरा में मजदूर मारे गए। डेको आउटसोर्सिंग जो है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का गंगोत्री है, और ये पूरे BCCL के अधिकारियों से मिलकर के लूटने काम कर, मजदूरों के साथ सारा आउटसोर्सिंग इसमें इन्वॉल्व है, कोई मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये भी ये सबका दादा है। डेको हुआ, हेल्टअप हुआ, UCC हुआ, सारे भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं, और सबसे बड़ा झरिया का ही देख लीजिए, इस ऑफिस से देखिए कि मौत का पहाड़ ये देख लीजिए जो इसका ये है। तो हमारा लड़ाई है, और ये लड़ाई की शुरुआत कर दी है, जब तक डेको आउटसोर्सिंग को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है, हमने GM साहब को भी स्पष्ट कर दिया है, जब तक ब्लैकलिस्ट नहीं होता है तो हमारा लड़ाई आंदोलन जारी रहेगा। BCCL और उसके लिए काम करने वाली कंपनी डेको की मनमानी के कारण धनबाद के झरिया में लोगों का जीवन दुभर हो गया है। धनबाद के झरिया में लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन BCCL के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती। धनबाद से मुखर संवाद के लिए एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।